अंकित अगेन, और आज बताऊंगा आपको विजुलाइजेशन के बारे में। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा बट मैचेस में स्पेशली क्रिकेट में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बिकॉज इट्स अ टोटल गेम ऑफ माइंडसेट। तो विजुलाइजेशन होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। इमेजेस का बनना माइंड में, हम कई बार चीज़ें सोचते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारे दिमाग में इमेजेस बनती हैं। कई बार कई चीज़ें होती हैं, हम पहले से सोचना शुरू कर देते हैं, वही एग्जैक्टली हो जाता है। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, आप थोड़ा पढ़िएगा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें काफ़ी पावर होती है, ठीक है, और वो इमोशन से जुड़ा होता है। तो जब हम इमोशनली किसी चीज़ को अपने मन में बार बार सोचते हैं, वो चीज़ होना शुरू हो जाती है। तो इस केस में आपको यही सेम चीज़ आप क्रिकेट में भी यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। सो आई वुड सजेस्ट यू डू विजुलाइजेशन ऑन अ डेली बेसिस। आपको मैं प्रोसीजर भी बताऊंगा, उससे पहले मैं इसके बेनिफिट्स आपको बता देता हूँ। बेनिफिट्स वुड बी लाइक, आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको इसका इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए, सबसे नंबर वन चीज़ रहेगी कि आपको उसका प्रोसीजर पता होना ज़रूरी है। अब इसको विजुलाइज़ करना जब शुरू करेंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसमें इमोशनली कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। आप आंख बंद करें और अपने आप को जो चाहते हैं उसको करता हुआ देखें, उसका पूरा प्रोसीजर फॉलो करें, ठीक है। ये कई लोग बोलते हैं कि हमसे होता नहीं है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं है ऐसा, लेकिन उसका प्रोसीजर आपको सोचना पड़ेगा, उसको फील करना पड़ेगा। अगर सपोज़ करो मैं एक क्रिकेटर हूँ, मुझे क्रिकेटर बनना है, इंडिया खेलना है, तो मैं प्रैक्टिस सेशंस भी अपने विजुलाइज़ करूँगा कि प्रैक्टिस सेशंस में आज जाके क्या करूँगा, डिट्टो वही चीज़ होना शुरू हो जाती है। मैंने अगर सोचा कि आज मेरी इतनी ज़्यादा इतना अच्छा फील आएगा, मेरे को ऐसा भागूंगा तो ऐसा फील आएगा, मैच में ऐसी रनिंग होगी, तो ऑटोमेटिकली वही चीज़ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। आपको करने कैसे बैठना है आपको बताता हूँ कि ये चीज़ कैसे करनी है। सिंपल बैठ जाओ, इसमें कोई पोजीशन नहीं होती है या फिर कोई पोस्चर नहीं होता है, सीधा आपको बैठना है, आँख बंद करनी है, आँख खोलनी है, जैसे भी, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको ये, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। कई लोग कहते हैं कि 5 मिनट विजुलाइजेशन करनी है, 10 मिनट, जब तक आपको मज़ा आ रहा है करते रहो, ठीक है। जब आप सही तरीके से विजुलाइजेशन करना शुरू करेंगे तब देखना आपके गूज बम्स आएंगे, आंसू भी निकलेंगे, अगर आप पूरा प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो सपोज़ करो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, कि सपोज़ करो कल आपका प्रैक्टिस सेशन है, उस प्रैक्टिस सेशन में आप क्या करोगे, ये आज ही विजुलाइज़ करके जाओ, और प्रैक्टिस सेशन शुरू होने से पहले 1 घंटा पहले वही सेम चीज़ विजुलाइज़ कर लो कि मैं आज ऐसा करूँगा। देखना, अगर आप 100% परफेक्ट प्रोसेस के साथ विजुलाइज़ किए हो तो आपको 60-70% रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, और जैसे जैसे आप इस चीज़ में परफेक्ट रूप से ले आओगे आपको रिजल्ट्स अमेजिंग मिलेंगे। दूसरी चीज़, बड़े क्रिकेटर्स जो है वो इसको करते हैं, अदरवाइज़ वो बड़े लेवल पे खेल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं इसको इंस्टाग्राम में बता सकता हूँ, आप जब भी क्वेश्चन पूछेंगे। और जो मेरे पास पर्सनल कोचिंग करते हैं, बच्चे आते हैं, उनको मैं बैठा के करवाता हूँ। हाउएवर, जैसे कि बताया कि आप इसको डेली करें, ठीक है, मेक श्योर जो भी चैलेंजेस हैं मुझे ज़रूर बताएं, मैं इस पर पोस्ट भी बनाता रहता हूँ, और आई होप आप लोग इस पर वर्क ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। इट्स अ वेरी पर्सनल वीडियो, मैं इसको हमेशा चाहता था कि ये सबको बताऊँ, क्योंकि ये इससे मैंने खुद बेनिफिट्स उठाए। थैंक यू सो मच।